बड़े पापा So what's up guys, welcome back to our new video. So guys, जैसा कि हम सभी को पता है श्रावण का महीना सावन का महीना है, इसमें हमारे घर वालों ने है पाठ रखे हुए, तो वो ही है और आज लास्ट में और जिसमें हवन होना है आज और फर्स्ट टाइम बैठूंगा मैं आज तक कभी नहीं बैठा, बल्कि मेरे बड़े भाई बैठे हैं और मिस्त्री भी लगे हुए हैं हमारे बहुत सारे काम पे, जो शुभम भाई भी आ चुके हैं। तो बात है ऐसी कि पहली बार हवन में बैठूंगा, वो धोती वगैरह पहननी पड़ती है, वो भी पहली बार होगा और गाइस इसमें व्रत भी रखना पड़ता है, तो मेरा ये भी फर्स्ट टाइम है व्रत, क्योंकि आज तक मैंने कभी रखे ही नहीं है व्रत वगैरह, भूख ही बर्दाश्त नहीं होती, तो आज थोड़ा व्रत रखेंगे। बाकी गाइस नाग देवता जी का आशीर्वाद ही सामने है हमारे, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, नहा धो के अभी तक नहाया भी नहीं हूँ मैं, फ्रेश हो जाते पहले। और गाइज मैंने बाल भी कटाए हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ही हुए हैं, क्योंकि करने चाहिए होते हैं साल में एक बार, तो हमने भी कर दिए। फिर प्यारे भाई हम हो चुके हैं तैयार, नहा लिए और बढ़िया, हाँ ये देख लो वॉशरूम साफ करते हो। तो ऐसी बात है ऐसी कि हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, एकदम ब्लैक आउटफिट में, दिखा दूँ पर कहाँ दिखाऊँगा, चलो दिखा देते हैं, जितना दिखेगा उतना दिखाई देते हैं। दिस इज आवर आउटफिट। तो अभी थोड़ी सी पूजा रहती है वो कर रहे हैं, उसके बाद हवन स्वाहा। और आज थोड़ा गाइस मौसम भी सही है, नहीं तो रोज की रोज बारिश हो रही है, बट आज थोड़ा रहम खा लिया भगवान ने। इसी के साथ आपको मैं यहाँ पे अपना दिखा देता हूँ शादी का काम जो चला हुआ है हमारे घर का, ये देख लो गाइस, ये अभी अभी नए नए बनाए बनाए मतलब पहले से बने हुए थे, बस लकड़ी लगाई है इसमें, वो लाइट लुइट लगी, क्या बोलते हो तुम यार ये देख। और गाइस यहाँ देख लो सारे लगे हुए काम करने। तो अभी पंडित जी आ रहा है पूजा खत्म करके, और अब स्वाहा क्या बोलते हैं इसको, हवन के लिए थोड़ा सा सामान लाना है, फिर उसको करना है और थोड़े टाइम में हवन में बैठ, देख रहे हो क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने इसकी आपकी और बड़ी मम्मी की तगड़ी नोक झोंक रहती, चलिए आप क्या बात कर रहे, तीन हो गए बच्चे आपके, बड़े पापा साहब इसको बंद कर, मैं नहीं सुना बस को को नया पर कैसा लग रहा है पाठ हो रहे गाइस थोड़ा ही टाइम है पूजा स्टार्ट होने वाली और मौसम फिर से खराब, ये देख लो एकदम बिल्कुल, और बारिश भी लग चुकी है गाइस, बट हमारी पूजा तो अंदर हो रही है। सबका चला हुआ है धोती पहनने और मैंने पहन ली है, देख लो गाइस अपने साथ सीन कुछ ऐसा है कि अभी थोड़ा यानी कि स्वाहा स्वाहा करके आया हूँ, और अभी एक काम भी लाया चपातियाँ लानी है ऊपर से ताज़ी ताज़ी, तो उसको लाने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सही रह गया शायद बलिदान वगैरह पता नहीं क्या बोल रहे थे कुछ पंडित जी ऐसा, और इसमें ही जाना पड़ रहा है धोती में, डर है कि कहीं खून ना जाए।
बाल देख क्या बढ़िया बनाया आज आप किसने बनाया बाल और गाइस अब धोती करते जींस एक टिका यहाँ पे ढंग से लगाया भीमा काली माता की तरह एक टुक गया ऊपर। चलो कोई नहीं अपना सफल हुआ काम और अब पहनते हैं कपड़े और अपना व्रत खोलते हैं व्रत आधे दिन का व्रत। लो जी इनको देख लो तीन लोगों बढ़िया मजे से सोते हो। पूजा तो खत्म हुई पर पूजा के साथ साथ हमारे बरामदे में हो गया है धुआं चारों तरफ तो अब सारी खिड़कियां खोल रखी है और पंडित जी खा रहे अब खाना हम भी खाते हैं। लो जी गए अपने सारे पंडित जी जाते हुए और साथ में बड़े पापा भी और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब पे जाने भाई है तू बोगस है जो भी किया मैंने खुद से मैं खुद पे मैं जलने दो जलती है डर क्या जमाने का जिनके